आप कहते हैं सरापा गुल मोहर है जिंदगी, हम गरीबों की नजर में एक कहर है जिंदगी। भुखमरी की धूप में कुमला गई अस्मत की बेल, मौत के लम्हात से भी तल्ख तर है जिंदगी। आइए आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी, कल कुएं में डूब कर है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, हाँ मैं उसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, अरे जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन, हर को गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, कांस का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी सी अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में घुटके रह गई, छटपटाई ढीली पड़ी और फिर ठह गई। दिन तो सरजू के कछारों में थकप का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। बढ़ के मंगल ने कहा, ओए काका तू कैसे मौन है, पूछ बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई भी हो हम संघर्ष से पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा चबा जाएंगे जिंदा उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे कैसे हो सकता है, होनी कह के हम ताला करें और ये बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला बहन से, बहन सोचा सोचा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी अब मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठा हो गए सरपंच की दालान में। दृष्टि जिनकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी टोक कर, का कहें सरपंच जी, अरे का जमाना आ गया है, कल तलक जो पांव के नीचे था वो भी रुतबा पा गया है। अरे कहती है सरकार कि आपस में मिलजुल के रहो, इन सुअर के बच्चों को कोरी नहीं हरिजन कहो। अब देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के हाँ, पड़ गया सीप का मोती गंवारों के हाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पे न रखने देती ऐसी मगरूर है। भेजता नहीं ससुराल इसको हरकुआ, अरे फिर कोई इसे बाहों में भींच ले तो क्या हुआ हा? कल सरजू पार ये अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने में जिंदगी भर की लज्जत पा गई। अरे वो तो मंगलवा देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना ये मर्दूत तो बात को कहने से रही। अरे जानते मंगलवा एक ही मक्कार है जिसकी शह पे हरकुआ थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की तो कहिए, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। था क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना तूफान वो पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर्फ टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, और जिसका नाम मंगल है वो सामने आए। निकला मंगल झोपड़ी का पल्लू थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर, गिर पड़ा मंगल तो सिर बूट से टकरा गया। फिर पूछा, ओए चोरी का माल कहाँ है। कैसे चोरी, कैसा माल। होश खोके वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, फिर
फिर ठाकुरों से दरोगा ने कहा ललकार कर, ओए मेरा मुंह क्या देखते हो, इनके मुंह पे थूक दो, आग लाओ और झोपड़ियां फूक दो। और फिर प्रतिशोध की ज्वाला वहां जलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुध मुआ बच्चा व बूढ़ा जो वहां घेरे में था, दीन हिंसक वो अभागा भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देखकर कुछ होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। फिर दहाड़े, और इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा मारा जाएगा। तभी एक सिपाही ने कहा, ओए थानेदार साहब साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में नहीं आया कहो तो मंगल को छोड़ दें। ओए मुर्गे की तरह बांग मत दे, होश में नहीं आया तो लाठियों पे टांग दे। ये समझते हैं ठाकुरों से उलझना खेल है, अरे ऐसे पौजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं लोग अक्सर मुझसे सवाल, अरे कहिए ना कैसा है सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति अरे नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण देता हूं, आए आए वो मेरे गांव में, तट पर नदियों की घनी अमराइयों की छांव में, जहां पांचाली उघारी जा रही है, जहां अहिंसा की नत उठारी जा रही है। तरसते कितने मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी किसना रोटी के लिए, मैं निमंत्रण देता हूं, आए वो मेरे गांव में, तट पर नदियों की घनी अमराइयों की छांव में आए ना।